हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, एक और जोन का यहां पर जो है डीवी का कट ऑफ और डीवी का शेड्यूल जारी हो चुका है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई की, और मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट पर कट ऑफ भी आ चुका है और डीवी के सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट भी आ चुकी है। तो चलिए लिस्ट भी देख लेते हैं और कट ऑफ कितना बढ़ा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे 9 तारीख की डेट यहां पर आप लोग देखेंगे। और यहां पर जो है नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो यहां पर बेसिकली इन्होंने बताया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ पीडब्ल्यूबीडी एंड नॉन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट इज शेड्यूल फ्रॉम 16 फरवरी 2023 टू 11 मार्च 2023। देखो, चाहे आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, चाहे आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं, सभी का यहाँ पर जो डीवी चलने वाला है वो 16 फरवरी से लेकर और आपका 11 मार्च तक चलने वाला है। डेट एंड वेन्यू वाइज लिस्ट इज एनक्लोज, कैंडिडेट कैन डाउनलोड दियर कॉल लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट भी इन्होंने जारी की है, वो भी हम लोग देखेंगे। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी रेडीनेस टू अटेंड अलॉटेड वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू। ठीक है, तो चेंज आपका नहीं होगा, ये बात तो सभी को पता है। आगे हम लोग देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये इंस्ट्रक्शंस आप ध्यान से रीड कर लेना, इन्होंने जो भी यहाँ पे बताया है सिग्नेचर वगैरह को लेकर और डॉक्यूमेंट्स को लेकर। यहाँ पर बाकी आप लोग समझदार हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपने प्रिपेयर कर लेने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है वो लिस्ट भी यहाँ पे इन्होंने जारी की है। एक बार शॉर्ट में इसको भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सीबीटी कॉल लेटर पीईटी कॉल लेटर, देखो ये एप्लीकेशन फॉर्म सीबीटी का हाफ पोर्शन कॉल लेटर का और पीईटी के हाफ पोर्शन कॉल लेटर का मांग रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग वाले वीडियो में बताया था, सिकंदराबाद में जो पीईटी हुआ है वहां पर जिनके पास सीबीटी और पीईटी का हाफ पोर्शन और एप्लीकेशन फॉर्म नहीं था उनका भी डीवी हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप इग्नोर करके चल सकते हैं। अगर आपके पास है तो लेके जाना। 10th का अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आईटीआई के डॉक्यूमेंट, कास्ट के सर्टिफिकेट, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, माइनॉरिटी लेके जाना है, इनकम एसेट ले जाना है, ईडब्ल्यूएस वाले को इनकम सर्टिफिकेट ले जाना है, ईबीसी वालों को और बाकी एक्स सर्विसमैन वालों को। तो डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट है, बाकी मॉर्निंग वाला मेरा जो डीवी वाला वीडियो है वो देख लेना, उसमें बिल्कुल जेन्युइन चीजें बताई हैं जो जो वहां पर हो रहा है। अब यहां पर देखो जो है डीवी डेट्स इन्होंने दी है, यहां पर डीवी डेट है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है और डीवी का वेन्यू, ये आरआरसी यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है और एक बार इस लिस्ट में लास्ट में हम लोग देखेंगे जाके कि कितने स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है। ठीक है, और आरआरसी वेन्यू इनका ये आई थिंक इन्होंने जो है सेंटर्स यहाँ पे खोल दिए हैं जहाँ पे आपका डीवी होने वाला है। ठीक है, और लास्ट में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा टोटल जो है देखो 7342 कैंडिडेट्स का यहाँ पे नाम है, जिसमें आपके पीडब्ल्यूबीडी भी हैं और नॉन पीडब्ल्यूबीडी यानी कि नॉर्मल कैंडिडेट भी हैं। अब चलिए यहाँ से कट ऑफ देख लेते हैं कितना इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कट ऑफ भी जारी हो चुका है। तो देखो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स भी यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर यूआर कैटेगरी की, तो 70.59 यहाँ पे कट ऑफ गया है। अगर मैं बात करूँ पहला जो कट ऑफ था पीईटी वाला तो वो था यूआर का 64.10। ठीक है, अभी कितना हो गया, 70.59 हो गया है। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो मार्क्स बढ़े हैं, 6.49 मार्क्स आपके यूआर कैटेगरी में बढ़े हैं। बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की, तो देखो 61.00 हो गया है। पहले जो ओबीसी का यहाँ पे कट ऑफ था वो था 58.15, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो लगभग यहाँ पर जो है आपके 2.86 मार्क्स बढ़े हैं। तो ओबीसी वालों को थोड़ा यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला है, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए हैं, सिर्फ 2.8 मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। बात करते हैं हम लोग आगे एससी कैटेगरी की, तो एससी का बात करूँ तो पुराना जो कट ऑफ था पीईटी वाला वो 51.89 था, अभी आप एससी का देखेंगे 56.45 कट ऑफ गया है। तो यहाँ पे जो है 4.86 मार्क्स जो है वो एससी कैटेगरी में इंक्रीज हुए हैं। बात करते हैं हम लोग एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी का अभी कट ऑफ है 52.93 और पहले कितना था 44.35 यहाँ पे पहला कट ऑफ था। तो एसटी कैटेगरी में 8.57 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, तो एसटी वालों का तो कट ऑफ सभी जोन में ज़्यादा ही इंक्रीज हो रहा है। बात करते हैं यूआर कैटेगरी की, तो वो जो पीटी का कट ऑफ था वो पूरा 40 था, अभी हो चुका है 48.76, तो 8.76 मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स इंक्रीज हुए हैं यहाँ पर भी वो ईडब्ल्यूएस के हुए हैं 8.76, और सबसे कम जो मार्क्स इंक्रीज हुए हैं वो ओबीसी में हुए हैं 2.86। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है पूरा कट ऑफ है, बाकी ये मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप में दे दूंगा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, दोनों मैं लगा देता हूँ, बाकी ये टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। तो सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो अपडेट आया था मैंने आपको दे दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर के अपडेट्स भी आपको मिलते रहें।